हेलो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों के लिए बनाएंगे एक हेयर बैंड जो घर के सामान से ही बनेगा। आप पुराने हेयर बैंड का एक नया रूप दे सकते हैं, जैसे मैंने भी लिया है ये पुराना हेयर बैंड और ये पुराने कतरन रखी थी मैंने उसको लिया है और ये कुछ पेपर्स हैं या गिल्टर पेपर है ये हमारा और ये पेपर है। आप इससे डेकोरेशन के लिए बच्चों के लिए फूल बना सकते हैं हेयर बैंड के, या फिर आप ये घर में रखे किसी माला या मूर्ति की कुछ डेकोरेशन का सामान भी ले सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें इन सामानों की आवश्यकता होगी, कैंची, टेल टोन। चलिए अब हम बनाते हैं हेयर बैंड। फ्रेंड्स, मैंने ये कपड़ा ले लिया है, मैं इसको इधर से काट लूँगा, इधर से काट लेंगे और फिर उसके बाद ये इसमें लपेटेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने ये काट लिया, आप भी काटिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो साइड किनारा होता है आप उसी साइड से काटिएगा, जिससे हम उस पर लपेटेंगे तो किनारियाँ निकली हुई नहीं दिखाई देंगी। मैंने इस पर ये देखिए गोंद लगा लिया है, अब इस पर मैं कपड़ा लपेटूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे आप इसको लपेटते जाएंगे जैसे मैंने लपेटा है, इसलिए आप ऐसे लपेटते चले जाएंगे। देखिए लपेटता चला जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसको डेकोरेशन करते हैं, इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स लगा देते हैं। फ्रेंड्स, हम इस तरह से इसको टक कर लेंगे और इसी तरह यहाँ पर मोतियाँ लगा लेंगे तो हमारा हेयर बैंड तैयार हो जाएगा। हमारा हेयर बैंड बनकर तैयार हो गया है, आप भी इसी तरह बना सकते हैं। अब हम इसके किनारों पर टेप लगा देंगे जिससे बच्चों के कानों के पीछे गड़ेंगे नहीं। चलिए टेप लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हेयर बैंड बनकर तैयार हो गया है, वेस्ट मटेरियल से ही हमने बनाया है। ये घर का कतरन था और ये घर की मोतियाँ थी जो पुराने माला या किसी से बचता है। देखिए कितना सुंदर सा तैयार हुआ, बाहर आप यही खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलता है। चलिए, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए।